नरेला इलाके में होगा दिल्ली मेट्रो का अपना अलग रूट, हरियाणा के लोग भी उठाएंगे लाभ। आने वाले कुछ वर्षों में बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके का भी अपना मेट्रो रूट होगा। नरेला में बसाई जा रही सब सिटी में यातायात सुविधा मुहैया कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA और दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों के बीच लगातार हो रही बैठकों के बीच एक बैठक सोमवार को भी हुई। इसमें नरेला तक जाने वाली मेट्रो लाइन के रूट और बजट को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। नरेला के एक मेट्रो के लिए लूप लाइन बनाने पर भी विचार चल रही है। नरेला तक मेट्रो पहुंचाने के लिए DDA की ओर से 130 करोड़ रुपए की राशि भी दिल्ली मेट्रो को जारी कर दी गई है। इस बाबत DDA का मानना है कि जल्द ही यहां मेट्रो लाइन बनाने का काम शुरू हो जाएगा और जिसका लाभ वहां रहने वाले लोगों को मिलेगा। मालूम हो कि DDA द्वारा बनाई जा रही नरेला सबसिडी 3 नई सबसिडी परियोजनाओं में शामिल है। DDA द्वारा अब तक वहाँ 25,000 से ज्यादा फ्लैटों का निर्माण किया जा चुका है। इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए और उसे दिल्ली के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों से जोड़ने के लिए DDA मेट्रो कनेक्टिविटी लाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए वह दिल्ली मेट्रो के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यहां पर बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा रिठाला बवाना नरेला के मेट्रो रूट को पहले ही प्रस्तावित किया जा चुका है। इस मेट्रो रूट को अंतिम रूप देने के लिए DDA के साथ DMRC ने कई दौर की बैठक की है। हाल फिलहाल परिवहन साधनों की कमी के चलते यहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां पर बने हुए फ्लैटों को लेने में भी लोगों की दिलचस्पी इसी वजह से कम रहती है। DDA का मानना है कि मेट्रो रूट जब नरेला पहुंच जाएगा तो इसमें वहां कनेक्टिविटी में सुधार आएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग नरेला की तरफ फ्लैट लेंगे। DDA के अनुसार नरेला में मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए उनकी तरफ से वित्तीय मंजूरी दे दी गई थी। प्रस्तावित रूट को समय पर बनाने के लिए DMRC को 130 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी गई है।